दोस्तों आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास बजट नहीं है, तो आपको आज हम नाम मात्र पूंजी से यानी कि 1,000 रुपए में अपना ब्रांड बना करके बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले प्रोफेशनल ढंग से बिजनेस कैसे करें। इसको जब आपका ये छोटा सा, इसमें कोई कागजात की जरूरत नहीं है दोस्तों, जब ये बिजनेस आपका बड़ा हो जाएगा तो कागजात कौन से लगेंगे, कहाँ से कागजात बनवाए, कितना खर्चा आएगा, इसको मार्केट में अपना ब्रांड कैसे बिल्ड करें, सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों आप लोगों के सामने लाए हैं पीनट यानी मूंगफली का बिजनेस। इसको दोस्तों सब लोग, सारे दुकानदार, हर एक घर की नीड है, व्रत में खाया जाता है, सब जगह दवाओं में भी यूज होता है, तो इसका बहुत बड़ा स्कोप है। इसको दोस्तों इसलिए बिजनेस करना प्रॉफिटेबल है, पहले बीज का रास्ता जान लेते हैं। ये दोस्तों 50 किलो के बोरे में आता है, तो इसलिए छोटे छोटे दुकानदार इसको नहीं लेते हैं। एक तो यहाँ से आप इस ढंग से कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों जो तरीका है, आज सबको पैकेजिंग चाहिए, उस पे एमआरपी एक्सपायरी क्या है, क्या रेट है, पैकेट में चाहिए, चाहे वो 100 ग्राम का पैकेट हो, चाहे 200 ग्राम का पैकेट हो, चाहे 1 केजी का पैकेट हो, आज सब खुला सामान लेना नहीं चाहते हैं, जिसमें कहते हैं डस्ट रहती है। तो आज इसको आप अपना पैकेजिंग रूप कैसे देंगे, पैकिंग का रूप कैसे देंगे, अपना ब्रांड बना के कैसे इसको मार्केट में उतारें, ये सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। बस सिर्फ आपका अपना अमूल्य 10 मिनट का समय हमारे साथ निकालिए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप अपने मार्केट में जाइए, मार्केट में थोड़ा सा मूंगफली का रेट लीजिए, क्या रेट बिक रही है, 1 किलो का क्या रेट है, 250 ग्राम का क्या रेट है, और यही में आप पैकेजिंग में देखिए क्या रेट है। तीसरी जानकारी और ले लीजिए, अगर आपको बड़े में करना है आप नेट पे सर्च करिए क्या रेट मिल रहा। अब आपने तीनों टाइप के रेट ले लिए, अब आपको एक रेट और लेना है। अब आप अपने मार्केट में जाइए, अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, किराना व्यापारी होते हैं, ड्राई फ्रूट के व्यापारी अलग अलग होते हैं। अगर दोस्तों आप महानगर से सटे हुए हैं तो वहाँ पे कमीशन एजेंट होने यानी थोक विक्रेता होते हैं, तो वहाँ पे आप अपना ये जानकारी लीजिए, 1 कुंतल का क्या रेट है, 1 बोरे का क्या रेट है। तो जो रेट आपने यहाँ लिया उस रेट में आप देखेंगे कम से कम 20 रुपये केजी या 10 रुपये केजी का डिफरेंट आएगा। तो दोस्तों अब आपने सर्वे कर लिया, आपने रेट ले लिया, अब आप चलिए अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे थोक विक्रेता है वहाँ से 50 किलो की बोरी आती है, 50-60 किलो की बोरी आती है, इसी तरह से बोरी में आता है। अब आपको 2 क्वालिटी के वहाँ पे आप जाएंगे मूँगफलियाँ, 3 क्वालिटी की मिलेगी, एक सफ़ेद छोटे दाने में जो सबसे ज़्यादा लाइक करती है, थोड़ा सा महंगी बिकती है, दूसरी दोस्तों रेड कलर की होती है, थोड़ा एक बड़े दाने में थोड़ा सस्ती होती है, और इसी में थोड़ा छोटे दाने की हो तो दोस्तों उसको लोग कहते हैं देसी, इसको ज़्यादा लोग लाइक करते हैं। तो दोस्तों इस तीनों टाइप में से कोई भी आपने जो मार्केट में सर्वे किया किस टाइप की मूंगफली ज़्यादा बिक रही है, उनमें तीनों में से जिसका ज़्यादा डिमांड हो वही दोस्तों आप उठाएंगे। अब आप वहाँ से खरीद लिए, अब आप खरीद लिए 1 बोरा, अब आपको वहीं अपने डिस्ट्रिक्ट में क्या करना है, कुछ पैकिंग के सामान लेना है। जैसे दोस्तों आपको सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा लेना है, इलेक्ट्रॉनिक कांटा वॉट वेट मशीन लेना है, इसको आप वहाँ दुकान से ले सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसकी कीमत है दोस्तों आपको जो मैं दिखा रहा हूँ 150 रुपये, आप इससे छोटी बड़ी या और वैरायटी की आप ले सकते हैं, आप अपने बजट के हिसाब से। अब वहीं से आप चले जाएंगे दोस्तों पैकेजिंग के कुछ सामान लेते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में पैकेजिंग सामान लेना हो दुकानदार होते हैं, वहाँ से क्या लेना है, सिल्वर कलर जिप लॉक स्टैंड पाउच आप देख रहे हैं, इसी ढंग से लेना है ये दोस्तों, इसी ढंग से खुल जाता है और इसी तरह से ये दबा देंगे तो लॉक हो जाएगा, और स्टैंड पाउच है यानी कि यहाँ पे ऐसे खोलेंगे इसी ढंग से खड़ा हो जाता है। अब आपका हो गया ये दोस्तों 240 रुपये से शुरू है, 260, 270, अलग अलग दुकानों पे 10-5 रुपये ये भी डिफरेंट होता है, अलग अलग डिफरेंट मतलब डिस्ट्रिक्ट में ये भी रेट में डिफरेंट हो सकता है, रेट के लिए कोई कमेंट नहीं। तो दोस्तों आपने वहाँ से खरीद लिया एक, दोस्तों इसमें 250 ग्राम आता है, आप 100 ग्राम का भी ले सकते हैं, आधा किलो का भी ले सकते हैं, 1 किलो का भी ले सकते हैं। इसमें जब आप मूंगफली डालेंगे जे ट्रांसपेरेंट है, इसमें आपका एक एक दाना बस फ्रेश होगा। अब आप वहाँ से पैकेजिंग सामान ले लिए, आपने दाने को ले लिया, अब इसमें दोस्तों एक स्टीकर छपवाना है, आप जिस नाम से ब्रांड से आप अपना
प्रोडक्ट मार्केट में उतारना चाहते हैं, नाम आप अपने इच्छा अनुसार रख सकते हैं या आप अपने नाम से कर सकते हैं। स्टीकर थोड़ा सा अच्छा छपाई यहाँ लिख दीजिएगा दोस्तों, हैंडमेड फ्रेश पीनट यानी मूंगफली का दाना जितना ग्राम है वो लिख दीजिए, हैंडमेड एंड होममेड। हैंडमेड होममेड में कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें दोस्तों अभी आप घर से बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, इसमें दोस्तों क्या करना है, उस पर MRP लिखना है, एक्सपायरी लिखना, उसका वेट क्या है, पैकेट कौन है, ये आप लिख के चिपका देंगे तो इससे एक प्रोफेशनल पैकेजिंग हो गया। तो आप प्रेस वाले के यहाँ छपवा लेंगे, एक स्टीकर 1 से 1.5 रुपए में पड़ेगा। अब आपने पैकिंग ले लिया, स्टीकर छपवा लिया, अब आपके माल रेडी हो गए। मूँगफली का दाना जो लाएंगे दोस्तों उसको घर पर लाने के बाद थोड़ा सा साफ सफाई कर लेंगे, उसमें कोई कंकड़ी नहीं होगी, जो टूटी फूटी होगी जिसके छिलके निकले होंगे उसको अलग कर देंगे। आपको क्या देना है, क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है। और जब भी दाने खरीदने दोस्तों वो खाया वहां पे थोड़ा सा खा के देखना, वो तीखा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत पुराना माल है तो थोड़ा सा तीखा लगेगा, लोग उसको लाइक नहीं करेंगे और आपकी क्वालिटी बेकार हो जाएगी, फिर आप मार्केट में पिट जाएंगे। इसलिए क्वालिटी से कभी समझौता नहीं है, जब भी बिजनेस करना अच्छी क्वालिटी के लेके चलना। अब आपने दोस्तों पैकेजिंग हो गया, आपका माल रेडी हो गया, तो इसको आप जाके दोस्तों जैसे हमने कहा 10 से 20 रुपए का डिफरेंट आएगा। आपने कुछ इस मार्केट का सर्वे किया, अब आप अगर दुकानदार को देते हैं छोटे छोटे जो ग्रामीण में होते हैं या शहर में कहीं भी होते हैं, क्योंकि वो इकट्ठा नहीं लेते, आप पैकेजिंग में दे रहे हैं, तो उनको जाके बताना होगा कि आप ये खुले में जो दे रहे हैं अगर पैकिंग में बेचते हैं तो लोग ज़्यादा लाइक करते हैं और बिकेगा। मार्केट है दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस ढंग से आप अगर दुकानदार को देते हैं तो किलो के पीछे 10 से 15 रुपए का प्रॉफिट होगा। यही अगर आप डायरेक्ट कस्टमर को बेचते हैं उनके घर घर जाके, तो यहाँ पर आपका 20 से 25 रुपए का प्रॉफिट होगा। हम मूँगफली का रेट की बात करें, कल 19/9/2022 का दोस्तों कल का रेट था 90 रुपए से 110 रुपए की, अलग अलग वैरायटियों का। तो दोस्तों ये जब भी आप बिजनेस करेंगे उस समय क्या रेट है उसी हिसाब से आप कैलकुलेट करके अपने प्रॉफिट निकाल के, अपने खर्चे निकाल के आप मार्केट में बेचेंगे। इस ढंग से दोस्तों आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, 1000 से भी, 10 किलो से भी, 5 किलो से भी, जैसे आपके पास बजट है। अब आपका दोस्तों मार्केट का इसमें मेन जो बात है दोस्तों, यहाँ पे आपको सेल्स की कला सीखना है, कम्युनिकेशन स्किल सीखना है, ना कि बिजनेस। दोस्तों जब ये आपके अंदर सेल्स की कला आ जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल आ जाएगी, आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगा, तब आपको अपने बिजनेस में फ्लॉप नहीं हो सकते हैं और सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। इस ढंग से दोस्तों आपने जैसा कि अब लग रहा है कि आपने बिजनेस शुरू किया और 6 महीने साल भर आपने इस बिजनेस के किया और मार्केट का पूरा बेसिक नॉलेज आपको हो गया। अब आपको अपना बिजनेस बड़े स्तर पर ले जाना है। अब आपको बिजनेस को बड़े स्तर पर ले जाने के लिए इसको एक बिजनेस का रूप देना पड़ेगा, इसको मार्केटेड ऑफिस बनाना पड़ेगा, जहाँ से आप अपने बिजनेस को पूरे इंडिया में फैलाएंगे। तो ये स्थान आप अपने हिसाब से फिट कर सकते हैं, इसको आप अपने घर पे ऑफिस डाल के कर सकते हैं या किसी अच्छे सिटी का चुनाव करके कर सकते हैं। कमरा छोटा या बड़ा कोई भी हो, अब आपने कमरे को ले लिया, अब कमरे को एक ऑफिस का रूप देना पड़ेगा। ऑफिस का रूप अपने ढंग से अट्रैक्टिव दे सकते हैं, उसका डिस्प्ले वगैरह मेंटेन कर सकते हैं। अब आपका दोस्तों ऑफिस भी रेडी हो गया, अब आपके ऑफिस में कुछ डिजिटल टूल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप लेना पड़ेगा। लैपटॉप या डेस्कटॉप में आपको बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा। अब बिल निकलने के लिए आपको एक प्रिंटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब आपके ऑफिस रेडी हो गए, सारे टूल्स रेडी हो गए, अब आपको कुछ कानूनी कार्रवाई करना, कानूनी कागजात लेने होंगे, जिससे आप उन कानूनी दांव पेच में ना पड़े, क्योंकि आपको बिजनेस पक्का करना है, नंबर 1 का बिजनेस करना है। तो दोस्तों आपको GST नंबर लेना पड़ेगा, GST नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सेंटेक्स डिपार्टमेंट या ऑफिस में जो एडवोकेट होते हैं उनको थ्रू भी आप ले सकते हैं इसको, या ऑनलाइन आप अप्लाई करके ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन एडवोकेट के द्वारा लेंगे दोस्तों वो अपने कुछ मेहनताना कुछ चार्ज प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आगे आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये आपके GST नंबर हो गए। ये दोस्तों फूड प्रोडक्ट में आता, आपको ऐप से चाय रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ बजट की भी ज़रूरत है, तो सरकार की
बहुत ही स्टार्टअप नीड चल रही है बिजनेस के, उसके अंतर्गत आप सरकार की स्टार्टअप नीड का प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके लिए आपको एमएसएमई यानी उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा के सरकार की नीतियों का प्रॉफिट ले सकते हैं। सरकार की कौन सी नीतियाँ चल रही हैं, कितना लोन मिलेगा, कितना सब्सिडी मिलेगी, इसके लिए आप नियर बाई बैंक शाखा में संपर्क करें, वहाँ से संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं, या अपने जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करके वहाँ से संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। अब आपको सरकार का योगदान भी मिल गया। अब आपको लगता है कि इसको हमको बिजनेस रूप देना है, हमको कंपनी का एमडी या सीईओ कहलाना है, जैसे कि सब लोग कहे जाते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन यानी बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन 3 कैटेगरी में होता है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब आपके पास सारे टूल्स रेडी हो गए, आपके ऑफिस रेडी हो गए, अब आपको माल थोक में लेना है। इसके लिए आप दोस्तों जब मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके लिए आप गूगल पे सर्च करेंगे, वहाँ सारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, या दोस्तों आप जो पूरे एशिया की नंबर वन ड्राई फ्रूट या मसाला कंपनी है, मार्केट है वो खाली बावली दिल्ली, वहाँ संपर्क करके वहाँ पे एक से डिस्ट्रीब्यूटर है, वहाँ पे डायरेक्ट आप माल मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको वहाँ पे एक बार विजिट करना पड़ेगा, एक बार विजिट करके माल की क्वालिटी और जो है डिस्ट्रीब्यूटर उनके कॉन्टैक्ट नंबर आपके संपर्क में आ जाएंगे, फिर आप यही घर से ऑर्डर करके सारा माल मंगा सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस ढंग से आप मात्र छोटी सी पूंजी से बड़े बिजनेस कर सकते हैं, बड़े बिजनेस का नींव रख सकते हैं। अब आपका माल आ गया और इस माल को आपको पैकेजिंग रूप बड़े में देना है या हैंडमेड ही करना है तो और आदमियों की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर इसको और बड़े रूप में देना है तो कुछ पैकेजिंग मशीनरी भी खरीदना पड़ेगा। आपने मशीनरी खरीद लिया, आपका सब कुछ रेडी हो गया, अब इसको बड़ा रूप देना है, पूरे इंडिया में फैलाना है, तो दोस्तों इसके लिए दो माध्यम है आपके, क्या है, डिजिटल माध्यम और ऑफलाइन। ऑफलाइन दोस्तों इसको कैसे करेंगे, इसके लिए आपको सेल्फ टीम, सेल्फ मैनेजर, एरिया मैनेजर, ZSM, RSM, एजेंसी देना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनाना पड़ेगा हर डिस्ट्रिक्ट में, इस ढंग से कर सकते हैं। और डिजिटल माध्यम से दोस्तों बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं, उस पर आप अपनी लॉगिन आईडी बना लीजिए। ई कॉमर्स कंपनियों पे अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचें, इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वहाँ से देख करके आप उन सारी ई कॉमर्स कंपनियों पे अपने प्रोडक्ट को आप बेच सकते हैं दोस्तों। इसलिए दो माध्यम हैं जो को अपने आप ब्रांड को बिल्ड कर सकते हैं। अब आपको अपना ब्रांड बिल्ड करने के लिए, अपना ब्रांड पॉपुलर करने के लिए बहुत सारे टूल्स भी हैं, जैसे दोस्तों कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, होल्डिंग, इन सब माध्यमों से जो आपने ब्रांड नेम रखा है उस ब्रांड नेम को आप पॉपुलर कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपके ब्रांड नेम की कोई कॉपीराइट ना कर ले, कोई चोरी ना कर ले, इसके लिए आपको जो भी आपने ब्रांड नाम रखा है उसका ट्रेडमार्क यानी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन दोस्तों 10 साल के लिए होता है, 10 साल में इसको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अब आपकी ये सारी चीज़ें हैं, इस ढंग से आप छोटे से बिजनेस को बड़ा रूप दे सकते हैं। हमने A to Z सारी जानकारी आपसे शेयर कर दी, फिर भी आपको लगता है जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करना कोई और जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में चाहिए दोस्तों, हम वो जानकारी आप तक पहुंचा दे रहेंगे। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपने तो एक कमेंट ओके लिख ही सकते हैं, थैंक्स लिख ही सकते हैं, या लाइक कर दीजिए दोस्तों, इससे हम लोगों का उत्साह बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, इसी तरह से हम और वीडियो, अच्छी अच्छी जानकारी, छोटी छोटी जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप दूसरे तक भी पहुंचाना आपका भी कर्तव्य है, इसलिए आप अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी ये जानकारी पहुंच जाए, वो भी छोटे से बिजनेस से शुरू करके अपने बड़े बिजनेस का रूप दे दे। आपने जो अपना 8 से 10 मिनट का अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया दोस्तों, इसके लिए थैंक यू, नमस्कार।